नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जीरोधा काइट मोबाइल एप्लीकेशन में पैसे किस प्रकार से डाले जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे काइट एप्लीकेशन मेन स्क्रीन पे ले लिया है। मैं इसको अभी एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते ही मेरे सामने एक ऐसी वॉच लिस्ट खुल जाएंगी जिसमें बहुत सारे शेयर के नाम होंगे, ओके, निफ्टी, यूनियन बैंक। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है ये चार हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। ये चार लाइनें क्या बताती है कि आप जा रहे हो मेनू में। तो मेनू इसे क्लिक कर दिए करते ही आपके सामने इस प्रकार का मेनू खुल जाएगा। इस प्रकार का मेनू आपको दर्शाता है कि इसमें क्या क्या है करके। तो आप अकाउंट में चल जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे आप फंड पे। फंड माने क्या? पैसा, ठीक है। ये पैसा पे जाके आप अभी क्लिक करेंगे। अभी क्लिक कर दिया तो ये देखिए लाल लाइन इक्विटी के नीचे आ गई है, मतलब आप जो भी पैसे डालेंगे वो आएंगे आपके इक्विटी सेगमेंट में, मतलब शेयर खरीदने के लिए। अगर ये लाल लाइन कमोडिटी के नीचे आती है और आप पैसे ऐड करते हो तो ये पैसे आपके जाएंगे कमोडिटी अकाउंट में, ठीक है। तो अभी मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, मतलब मुझे और 44 रुपीज कंपनी को देने हैं, तो इसलिए मुझे अभी पैसे डालने होंगे इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा ऐड पे। ये ऐड पे मुझे क्लिक करना है। तो ये क्लिक करते ही ऐसे एक विंडो खुल जाएंगे जो कहेंगे आपसे ब्राउजर आपका कैसे ओपन करना है। तो मैं ब्राउजर से बोल देता हूँ, मैंने ब्राउजर से बोल दिया तो ये इस प्रकार से मेरे सामने विंडो खुल गई है। इधर वो पूछ रहा है मुझसे कि कितने पैसे डालने हैं आपको, ठीक है। एंटर अमाउंट, समझो मुझे 500 रुपये डालने हैं सिर्फ, क्योंकि मैं छोटा ट्रेडर हूँ, डेली ट्रेड नहीं करता। लेकिन अगर कहीं पे कम पैसे वाले शेयर दिख जाए तो मैं उसे उठा लेता हूँ, तो इसलिए मुझे 500 रुपये डालने हैं। उसके बाद में ये इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट है, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, अगर इसको आपको ऐड करना है इक्विटी डेरिवेटिव और उसमें कमोडिटी आएगा। अगर आपने वहाँ पे इक्विटी रखा है, इक्विटी के नीचे लाल लाइन है, तो आप इक्विटी में ही ऐड करेंगे। और ये आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक है यूपीआई, एक है नेट बैंकिंग, ठीक है। तो अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको पैसे लग सकते हैं, और आप मेरे यूपीआई अकाउंट से करेंगे तो ये आपका काम फ्री में हो सकता है। अभी ये यूपीआई अकाउंट से अगर आप करेंगे तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दी है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करो, आपका एक ऐप इंस्टॉल होगा जिसका नाम है फोन पे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर ब्राउजर में जाएंगे तो इस तरीके का वो ब्राउजर में खुल जाएगा, ठीक है। ये तरीके का आपका वो ब्राउजर में अकाउंट खुल जाएगा। अभी इस पे आपको क्लिक करना है, या फिर ये अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है तो इसे एक बार अनइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में इसको अनइंस्टॉल करने के बाद में फोन को रिस्टार्ट कीजिए और फिर से मेरे वाले दिए गए लिंक पे से इंस्टॉल कीजिए। इससे फायदा ऐसा होगा कि आपको जो भी जो ऑफर्स आते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, 30% कैशबैक, 50% कैशबैक, वो यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो आप यूपीआई के ऊपर से क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपका रिडायरेक्टिंग हो जाएगा। अगर ये यूपीआई आ गया, अभी ये ब्लू जो लाइन दिखाई, ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब आप यूपीआई को कनेक्ट है। मैं कंटिन्यू कर दिया तो 500 रुपये मेरे अकाउंट से ये यहाँ पे आपका कट हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका वर्चुअल पेमेंट यूपीआई आईडी, तो ये आपको फोन पे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से सिर्फ कंटिन्यू करते ही आपके पूरे के पूरे पैसे आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। ये सभी चीज करने में, ये पूरी की पूरी चीज करने में आपको सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 30 सेकेंड, अगर आप यूपीआई और मेरे दिए वाले लिंक पे से वो यूपीआई इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लगे, ठीक लगे, तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर गलत लगता है तो कमेंट कर दीजिए। Thank you.